Hallelujah. 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 Yesu ki stuti ho. Yesu ki stuti ho. Yesu ko dhanyavad. Yesu ko dhanyavad. Yesu ko dhanyavad. Yesu ko dhanyavad. Mere Yesu. Mere Yesu. Mere Prabhu. Mere Prabhu. Mere Yesu. Mere Yesu. Mere Udhar Karta. Mere Udhar Karta. Mere Yesu. Mere Yesu. Mere Swami. Mere Swami. Mere Yesu. Mere Yesu. Mere Malik. Mere Malik. Main teri stuti karta hu. Main teri stuti karta hu. Teri aradhana karta hu. Teri aradhana karta hu. Teri jay jayakar karta hu. Teri jay jayakar karta hu. Teri prashansa karta hu. Teri prashansa karta hu. Hallelujah. 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 प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों तथा निष्कलंक माँ मरियम के भक्तों, आज निष्कलंक माँ मरियम के उत्सव को मनाने के संदर्भ में हम सबों को दोपहर के समय में इस छुटकारे की चंगाई की डिलीवरेंस प्रेयर में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। छुटकारा या डिलीवरेंस हम लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करना होगा, इस बात को स्पष्ट करना होगा कि मुझे इस बात की जरूरत है, तभी जाके हमारे जीवन में प्रभु का वचन कार्य करेगा। नहीं तो आप सोचते रहोगे दोपहर का वचन, दोपहर का समय है, ये कब तक बोलेगा पता नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अगर आप यहाँ पर बैठ भी रहे हो प्रभु के दरबार में, अपने आप में प्रभु की आशीष है। इतना आसान नहीं है प्रभु के द्वार में आना, प्रभु के द्वार में बैठना, प्रभु के उपस्थित में बैठकर प्रभु की स्तुति करना। इतना आसान, इतना आसान होता पता नहीं यहाँ पर कितने लोग आके बैठते, इतना आसान नहीं है। ये प्रभु के द्वारा आपको, प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए आप यहां पर हैं। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं होता, बाय चांस नहीं होता है, जो भी होता है बाय चॉइस, जो भी होता है बाय चॉइस। आज चॉइस हमारा नहीं होता है, चॉइस प्रभु का होता है, प्रभु चॉइस करता है। प्रभु, प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है, इसलिए तुम यहां पर हो। आज के दिन में इस दोपहर के समय में प्रभु ने हमें चुना है कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु की स्तुति करें। ये प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम चाहते तो हम जाते अपना काम में रहते, या घर में रहते, या आराम करते, या और कहीं घूमने जाते। प्रभु ने हमें चुना है, इसलिए हम प्रभु के द्वार में हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए यहां पर बैठकर हम लोग प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, उसमें हमारा फायदा है। प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हमारा फायदा है, इसमें प्रभु को कोई फायदा नहीं है। हमारी स्तुति करने से प्रभु की प्रभुत्व नहीं बढ़ता है, प्रभु अपने आप में परिपूर्ण है। प्रभु की आराधना करने से हम प्रभु में बढ़ते हैं, प्रभु का प्रभुत्व फुलनेस में है, परिपूर्णता में है। हम प्रभु की आराधना करेंगे, हम प्रभु में बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जितना समय आप प्रभु के द्वार में या प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना में इन्वेस्ट करेंगे, उसका पुरस्कार प्रभु आपको देगा, अभी भी, बाद में भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपने LIC के बारे में सुना है ना, LIC, लाइफ इन क्राइस्ट, लाइफ इन क्राइस्ट, LIC यानी कि लाइफ इन क्राइस्ट। इस दुनिया में जीते वक्त और इस दुनिया के बाद भी ये हमारी, ये दुआ, ये प्रार्थना, ये त्याग, ये तपस्या, प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु का वचन सुनना, स्तुति करना, आराधना करना, ये एक प्रकार की LIC है, लाइफ इन क्राइस्ट, हियर ऑन अर्थ एंड आफ्टर दैट। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा नहीं लग रहा तो प्रसन्नता के साथ प्रभु का हम धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाथ नीचे कीजिए, एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रभु के उपस्थिति में, प्रभु यहां पर साक्षात इस परम पावन संस्कार के माध्यम से अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ यहां पर प्रभु उपस्थित हैं, और प्रभु के उपस्थिति में अगर आप प्रसन्न नहीं रह सकते हैं, दूसरा दुनिया में कोई जगह नहीं है जहां पर आप प्रसन्न हो सकते हो।
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। तो फादर अशोक हम लोगों को समझा रहे थे हमारी दशा पर, कि हमारे दशा कहीं लोगों की हो सकता है कितनी दुर्दशा है। दशा दुर्दशा नहीं होनी चाहिए, हो जाएगी उस दुर्दशा से बाहर आना है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है नबी हगै का ग्रंथ अध्याय 1:6 में प्रभु का वचन कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। क्या कहता है? तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। फिर एक बार जोर से बोले, क्या कहता है? तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। ये बात स्पष्ट है, प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट है। तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। हम लोग किसकी स्थिति पर विचार करते हैं? दूसरों की। बहुत बहुत ईमानदारी का जवाब है, जबरदस्त। दूसरों की स्थिति पर विचार करने के लिए कितना आनंद आता है। फलाना घर में यह हुआ, इसके इसके लड़की के जीवन में यह हुआ, उसके लड़के के जीवन में वो हुआ, उसके घर में यह हुआ, उस गांव में यह हुआ। पूरा न्यूज हमें मिलता है, पूरा न्यूज मिलता है, और हम लोग संदेश वाहक बन भी जाते हैं इन सभी प्रकार के न्यूज का। अपने घर की स्थिति के बारे में पता ही नहीं है। पूरा दुनिया के लोगों के अपने अपने उनके घरों की स्थिति, सारी स्थिति डे टू डे हमको मालूम है। प्रभु कहता है उनको छोड़ो, अपनी स्थिति पर विचार करो, अपने घर की स्थिति पर विचार करो। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु कहता है मुझे और आपको, हम सबों को, जितने भी लोग इस वक्त इस YouTube चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उन सबों से, हम सबों से, हर एक इंसान से प्रभु यही कहता है, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। दूसरों की स्थिति पर विचार करना छोड़ दो, अपनी स्थिति पर विचार करो, अपने परिवार की परिस्थिति पर विचार करो, व्यक्तिगत स्थिति पर विचार करो, परिवार की परिस्थिति पर विचार करो। क्या विचार करना है? प्रभु का वचन आगे बताता है, तुमने बहुत बोया है, वो आपको मालूम है आपने क्या बोया है, मुझे मालूम है मुझे क्या बोया है। बहुत बोया है, अच्छा बोया है या बुरा बोया है वो डिपेंड करता है। जो बोया है मनुष्य वही लुनता है कि नहीं? हेलो, आप मेरी बात सुनो, यानी कि प्रभु की बात। प्रभु का वचन कहता है तुम स्थिति पर विचार करो और इस बात पर विचार करो, तुमने बहुत बोया है। आपने बोया या नहीं बोया? बोया, बोया है ना। और आपने अगर बोया है, आपको यह भी पता होगा, आपने अच्छा बोया है बुरा बोया। प्रभु का वचन का अच्छा बीज जो बोएगा अच्छा लुनेगा, अच्छा बीज नहीं बोया है बुरा लुनेगा। अपने जीवन में माता पिता ध्यान दे, आपने अपने बच्चों के जीवन में अच्छा बोया है, बच्चों के जीवन में जब फल आएंगे अच्छे आएंगे। बच्चों के जीवन में अच्छा नहीं बोया है तो फल जो आएगा वो बुरा ही आएगा। जब बुरा आएगा कब दिखाई देगा? जब बाली निकलेंगी। जब बाली निकलेंगी तब पता चलेगा, ओ मेरा लड़का अच्छा था, बहुत अच्छा था, अभी क्या हो गया। बड़े होने के बाद, बाली निकलने के बाद पता चला कि लड़का बचपन से अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, प्रार्थना में नहीं बैठता है, चर्च नहीं जाता है, तालीम में नहीं जाता है, बाइबल नहीं पढ़ता है, और मिसा में नहीं जाता है, रोजरी नहीं बोलता है, अब पता चला। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। और प्रभु का वचन कहता है तुमने बहुत बोया है किंतु कम लुनते हो। लुनते वक्त मिलता नहीं, फसल होती नहीं है वहां पर, फसल होती नहीं। बोया तो है बहुत, हो सकता है जहां पर बोया वहां पर फसल उगने के लिए माहौल, वातावरण, वो मिट्टी, वो जैसा भी जो कुछ भी कहें वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है, लाभदायक नहीं है। इसलिए आप जब लुनने जाते हो वहां होता कुछ नहीं है। अभी गेहूं का समय है, गेहूं लोगों ने बोया है और बहुत बोया होगा, 45 से 50 किलो गेहूं एक एकड़ में बोया होगा। आप बो के आके घर में बैठे उसके बाद अप्रैल में लुनने के लिए जाओगे, हो सकता है वहां पर लुनते हो तो बहुत कम मिलेगा, एक ही बोरी गेहूं मिलेगा पूरे एक एकड़ में। अगर देख रेख नहीं की, परवरिश नहीं की, बीमारी आने पर दवाई नहीं डाली तो यही होगा। हम लोग डरते हैं दवाएं डालने के लिए। मान लो बच्चों के जीवन में अगर हमने अच्छा नहीं बोया, बुरा बोया है, वहां पर बीमारी आई, किसी प्रकार की गलत आदतें आई, गलत विचार आए, गलत संगति में जा रहा, माता पिता डरते हैं बच्चों को बताने के लिए, बेटा तुम गलत रास्ते पर हो, डरते हैं कि बेटा उल्टी जवाब तो ना दे। जब दवाई नहीं डालोगे वहां पर लुनते वक्त मिलेगा कुछ नहीं है, जितना बोया उतना ही मिलेगा।
अगर 50 किलो बोया 50 किलो मिलेगा, जबकि आपको मिलना चाहिए था 20 क्विंटल, नहीं मिल रहा है। प्रभु का वचन कहता है तुमने बोया तो बहुत है लेकिन तुम कम लूनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती। खाना तो कहा कितना भी बढ़िया खाना बनाया, कितना भी बढ़िया भोजन किया, लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, तृप्ति नहीं मिलती। तुम पीते तो हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है, क्या फायदा हुआ? दिन भर का कठोर परिश्रम, रात दिन का कठोर परिश्रम और परिश्रम करते हुए वेतन लिया लाया, लेकिन उसको छेद वाली थैली में रख दिया तो सब व्यर्थ, सब बेकार, सब बर्बाद। और यह दशा है, यह दशा है हम लोगों की। इस पर प्रभु कहता है तुम अपने स्थिति पर विचार करो। ये स्थिति सही होनी है, हमारी दशा सही होनी है, हमारी मनोदशा सही होने की जरूरत है। मनोदशा सही है हमारी दशा सही होगी, हमारे मनोदशा सही नहीं है दशा सही नहीं हो सकती। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। हम अगर इस परिस्थिति में है, इस प्रकार की स्थिति में है, हमें यहां से बाहर आना है। इसका सोल्यूशन है, हम लोग इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं स्रोत ग्रंथ अध्याय 34, स्रोत ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 12 13 14 15 यहां पर प्रभु कहता है बेटा पुत्र, यहां पर लिखा है पुत्र बेटा, प्रभु कहता है मेरी बात सुनो। क्या कहता है? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। प्रभु पर श्रद्धा रखने की शिक्षा दूंगा, प्रभु पर विश्वास रखने की शिक्षा दूंगा, प्रभु पर भरोसा रखने की शिक्षा दूंगा, इसलिए मेरी बात सुनो। क्या सुनना है? यहां पर प्रभु पूछता है तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तीन बातें पूछी गई हैं। सबसे पहले भरपूर जीवन, लंबी आयु, सुख शांति, कौन नहीं चाहता है ये तीन चीजें? भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति। इस सवाल किया प्रभु ने, तुम में से कौन भरपूर जीवन, सुख शांति और लंबी आयु चाहता है? कोई है जो नहीं चाहता? नहीं, कोई है जो नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं तो हाथ ऊपर उठा के बताइए मैं चाहता हूं। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मैं लंबी आयु चाहता हूँ, लंबी आयु चाहता हूँ, सुख शांति चाहता हूँ, सुख शांति चाहता हूँ, भरपूर जीवन चाहता हूँ, भरपूर जीवन चाहता हूँ। और आप मुझे, और आप मुझे भरपूर जीवन दे सकते हैं, भरपूर जीवन दे सकते हैं, लंबी आयु दे सकते हैं, लंबी आयु दे सकते हैं, सुख शांति दे सकते हैं, सुख शांति दे सकते हैं, आपके सिवा, आपके सिवा और कोई नहीं दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। हे प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, मैं आपके पास आया हूँ, के पास आया इस दुआ को लेकर, इस दुआ को लेकर मुझे लंबी आयु प्रदान कीजिए, लंबी आयु प्रदान कीजिए, सुख शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान कीजिए, भरपूर जीवन प्रदान कीजिए, भरपूर जीवन प्रदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए। आपने जो मांगा आपको पता है आपने क्या मांगा? आपने जो मांगा क्या आपको पता है कि आपने क्या मांगा? बहुत बार हम लोग मालूम नहीं रहता हमने क्या मांगा। हमको बचपन में तालीम में सिखाया गया हमारे पिता की प्रार्थना बोलो, बोल दिया, क्यों बोला पता नहीं। प्रणाम मर्या की प्रार्थना बोलो, बोल दिया, क्यों बोलना पता नहीं। तो आपने कहा भरपूर जीवन, लंबी आयु, सुख शांति आपने मांगा, क्यों मांगा? भरपूर जीवन समझते हो? प्रभु यीशु कहता है इस दुनिया में जीवन बिताते वक्त हमारा जीवन दिन प्रतिदिन कुंठित करने वाले बहुत सारे तत्व है, बहुत सारे शक्तियां हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं हमारे जीवन को कुंठित करेंगे। तनाव आएगा, परेशानी आएगी और बीमारी आएगी और कुछ बात होगी, उन सबों से उलझन में जब हम फंसते हैं हमारा जीवन कुंठित होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा।
इसलिए प्रभु यीशु कहता है योहान का सुसमाचार अध्याय 10 प्रसंग 10 में, चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है। तीन बातें वहां पर लिखी है, चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने, चोर केवल चुराने मारने और नष्ट करने आता है। मैं आया हूं तुम्हें सुख शांति देने के लिए, लंबी आयु देने के लिए, भरपूर जीवन देने के लिए। उस नुकसान जो हुआ उसका भरपाई प्रभु यीशु मसीह करने के लिए आया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भरपूर जीवन यानी कि परिपूर्णता का जीवन, जिस जीवन में किसी बात की कमी ना हो, अधूरापन ना हो। हम सभी लोगों के जीवन में अधूरापन है, इसलिए एक अधूरापन से भरा हुआ इंसान दूसरे इंसान को परिपूर्णता नहीं दे सकता है। परिपूर्णता वही दे सकता है जो परिपूर्ण है। वो परिपूर्ण प्रभु के सानिध्य में जो हम जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, वो हमें दे सकता है। इंसान के पास जाएंगे जो अधूरेपन से भरा हुआ इंसान हमें परिपूर्णता नहीं दे सकता है। बहुत सारे लोग इस बात के इस धोखे में रहते हैं, हम उस पास्टर के पास जाएंगे, इस मिस्टर के पास जाएंगे, उस सिस्टर के पास जाएंगे और उसके पास जाएंगे। नहीं, हमें सिर्फ जाना है ना पास्टर के, ना सिस्टर के, ना मिस्टर के, हमें जाना है सिर्फ मास्टर के पास। हमें जाना है मास्टर के पास। जो मास्टर के पास जाएगा वही जीवन पाएगा। उधर उधर मत भटकिए। पास्टर हो, मिस्टर हो, सिस्टर हो, जो भी हो, अधूरेपन से भरे हुए लोग हैं, परिपूर्णता में भरा हुआ प्रभु है। अब प्रभु हमें आशीष देता है। यह बात अलग है, प्रभु ने अलग अलग लोगों को चुना है, विशेष रूप से पुरोहितों को उसने अभिषिक्त किया है। अभिषेक के द्वारा उन्होंने अपनी उस वरदानों को प्रभु ने पुरोहितों को अभिषेक के द्वारा दिया है। अन्य लोगों को प्रचार करने का वरदान पवित्र आत्मा के वरदान दिया है। कुछ लोगों को गीत गाने का पवित्र आत्मा का वरदान दिया है। अगर प्रभु की बातें, प्रभु की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा ये सब हटा दिया जाए तो हम शून्य हैं, तो हम शून्य हैं। यानी कि मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं है। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु का आत्मा का अभिषेक रहेगा तब कुछ हम हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं। इसलिए परिपूर्ण प्रभु है। उस प्रभु चाहता है कि हम सबके सब परिपूर्णता का जीवन को जिए, भरपूर जीवन जिसमें किसी बात की कमियां ना हो, भरपूर जीवन जिए। और जब भरपूर जीवन जिएंगे, हमारा वो अधूरापन दूर चला जाएगा, यानी कि सुख शांति अपने आप आएगी और लंबी आयु भी हमें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके लिए हमें क्या करना है? अगर भरपूर जीवन प्राप्त करना है, सुख शांति प्राप्त करना है, लंबी आयु प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पर बताया गया, केवल हमने प्रार्थना की, प्रभु हमें भरपूर जीवन दो, लंबी आयु दो और सुख शांति दो, और यूं ही नहीं मिल सकता है। हर प्रॉमिस के पीछे एक कार्य प्रभु ने दिया है। इस बाइबल में ईश्वर ने किए हुए 8000 प्रॉमिसेस हैं, 8000 वादे हैं, और उस वादे पूरा तभी होंगे, उस वादे से पहले एक छोटा सा कार्य प्रभु ने दिया है। उस छोटे से कार्य को हम करेंगे तब प्रभु का वादा हमारे जीवन में लागू होता है, पूरा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वादा क्या, हम पर यहां पर क्या है, कार्य क्या, यहां पर क्या है? तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु, सुख शांति चाहता है तो तुम अपनी जीभ को बुराई बोलने नहीं दो और अपने होंठों को कपटपूर्ण बातें। जीभ से बुराई से बचो और होंठों से कपटपूर्ण बातें से बचो। ये दो चीजें बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं। अपने जीभ से कभी बुराई मत बोलो, झूठ मत बोलो, किसी की चुगली मत करो। यही बात हमने कुछ देर के पहले सुना था, किसी की बदनामी मत करो, किसी के गलत मत बोलो, किसी को अपनी जुबान से, किसी को अपने शब्दों से चोट मत पहुंचाओ। प्रभु का वचन कहता है अपनी जीभ से बुराई मत बोलने दो, अपनी जीभ से बुराई मत बोलने दो। पहला शर्त है, अपनी जीभ से बुराई नहीं बोलोगे तो सुख शांति मिलेगी, लंबी आयु मिलेगी और परिपूर्ण जीवन मिलेगा, बहुतायत का जीवन मिलेगा। दूसरी है, अपने होंठ से कपटपूर्ण बातों से बचे रहो। केवल डींग मत मारो, कपटपूर्ण बातें जिसमें सच्चाई नहीं है, खोखली बातें, झूठे वादे, बड़ी बड़ी बातें, घमंड की बातें,
ये सब मत करो, कपटपूर्ण बातें मत करो। आगे प्रभु का वचन कहता है, बुराई से दूर रहो, भलाई करो और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। हर प्रकार की बुराई से दूर रहो, भलाई करो, भलाई के करना सीखो और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। प्रभु की कृपा की दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। उसकी कृपा की दृष्टि बनी रहेगी मुझ पर, उसकी कृपा की दृष्टि बनी रहेगी हम पर, उसकी कृपा की दृष्टि बनी रहेगी किसी व्यक्ति पर। उस व्यक्ति के जीवन में अपने आप में लंबी आयु, सुख शांति और भरपूर जीवन आएगा। क्योंकि प्रभु की दृष्टि हट जाएगी, वो भी कृपा की दृष्टि हट जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और जो व्यक्ति अपने होंठ से कपटपूर्ण बातें बोलना छोड़ देगा, जीभ से जीभ को बुराई करने से दूर रखेगा और सुख और शांति के मार्ग पर चलेगा, उसकी पुकार प्रभु सुनेगा। वहां पर बताया वह उनकी पुकार पर कान देगा। अगर हम उस जीभ से प्रभु की स्तुति करेंगे, बाहर जाके किसी की बुराई करेंगे, उसकी चुगली करेंगे, इसकी कहानी बताएंगे और कुछ करेंगे, सब लोगों को तकलीफ देंगे, छोट पहुंचाएंगे और उसके बाद प्रभु मुझे लंबी आयु दो, होगा? होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। प्रभु प्रेमी प्रभु जरूर है, वो प्रेमी प्रभु न्याय करने वाला प्रभु है, पक्षपात नहीं करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, पार्शालिटी नहीं करेगा। अगर मैंने बोया है सही, सही फल मिलेगा, नहीं बोया है गलत फल, गलत बोया है गलत हमें मिलेगा, गलत लुनना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो प्रभु का वचन हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में सुना है, वो वचन हमारे जीवन में एक्टिवेट करें। वो वचन केवल सुनने से पर्याप्त नहीं, खाना अगर आपने खाया है, मान लो खाना खाने के बाद वो खाना पचेगा नहीं, वो आपके जीवन में शरीर को लगेगा नहीं, आपको ताकत नहीं मिलेगी। प्रभु का वचन सुना है, उसको हमारे जीवन में एक्टिवेट रखने की जरूरत है। जितना हम एक्टिवेट रखेंगे तब जाके वचन के द्वारा हमें जीवन मिलेगा, वचन के द्वारा शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगा, शुद्धिकरण मिलेगा, इस प्रकार से हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त हम लोग छुटकारे की प्रार्थना में जाएंगे और ये बहुत सुंदर अवसर है भाइयों बहनों, मैं आपको बताऊं, बहुत सुंदर अवसर है। अपने आप को समर्पित कीजिए प्रभु के हाथों में, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, पूर्ण रूप से प्रभु को दे दीजिए। जिस प्रकार से एक मान लो आपके पास मोटरसाइकिल है, उसको सर्विसिंग करना है, आप उसको ले जाते हैं गैराज में, मैकेनिक के हाथ में देते हैं, चाबी भी उसके हाथ में देते हैं, वो जानता है कहाँ कौन सा पुर्जा खराब है, क्या है, कहाँ नहीं है, पूरा देखता है, सर्विसिंग करता है, बिल्कुल टनाटन करता है। उसी प्रकार से हम अपने आप को हवाले करते हैं, प्रभु के हाथ में दे। हम सबों को बनाने वाला प्रभु जानता है हमें, हमारे जीवन में क्या कमी है, क्या जो कमी को प्रभु निकाल देगा अगर हम चाहेंगे, प्रभु को अधिकार देंगे तब प्रभु हमारे जीवन में आएगा, हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, हमारे घर में आएगा, हमारे घर में प्रवेश करेगा। जो कुछ प्रभु के दृष्टि में उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, नेक नहीं है, उन सबों को प्रभु निकाल देगा अगर हम अधिकार देंगे। जैसे फादर ने कहा, हम प्रभु को बुलाएं, हमारे घर के अंदर बुलाएं, हमारे दिल रूपी घर के अंदर बुलाएं। अगर घर के अंदर बुलाना हो, अंदर जो कुछ भी प्रभु के नजर में ठीक नहीं है, उचित नहीं है, उन बातों को, उन आदतों को, उन तत्वों को, उन विचारों को निकालना होगा, तब जाके प्रभु का निवास होगा। जहां प्रभु का निवास होगा वहां पर इमानुएल हमारे बीच में रहेगा, ईश्वर हमारे साथ। यदि ईश्वर हमारे साथ है, कौन हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित करेगा? ईश्वर से प्रेम में हम भर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाएं। इस वक्त हम चंगाई की प्रार्थना में जा रहे हैं। प्रभु हमें स्पर्श करे, मसा करे और हमारी हर एक बीमारी, हर एक कष्ट, हर एक चिंता प्रभु को सौंप दें। प्रभु बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है। हिजकिया ने उससे प्रार्थना की, हिजकिया के शरीर में बुढ़ापे में एक बड़ा सा फोड़ा उसके शरीर पर था और वो रोने लगा, मरना नहीं चाहता था, इसलिए दीवार की ऊपर मुंह करके उसने घुटने टेक कर रो रो के प्रार्थना किया और प्रभु से कहा कि प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, प्रभु मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। दो अंधे आए और उसे पुकार कर कहने लगे,
ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। प्रभु ने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। आइए दोनों हाथों को सीने से लगाएं, अपने आप को समर्पित करें, प्रायश्चित करते जाएं। प्रभु का वचन हमें बताता है, योशुआ के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि आज तुम अपने आप को पवित्र करो और कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है, इसाया नबी लिखता है। इसलिए हम पश्चाताप करें, ना केवल अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, पुराने जीवन के लिए, निरर्थक जीवनचर्या के लिए। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, ताली बजा, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, सभी लोग, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह के जोर से, अपने रूह की आग से, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, ताली बजाते हुए हाथों को उठाकर, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे खाली बर्तन रू से भर दे, खाली बर्तन रू से भर दे, रू का झरना जाहिर कर दे, रू का झरना जाहिर कर दे, अपने रू के जोर से, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे। मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, मैं हूँ परमेश्वर मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, अपने रूह के जोर से तोड़ दे, सभी लोग, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे कैंसर का बंधन, तोड़ दे कैंसर का बंधन, तोड़ दे खुजली के बंधन, के बंधन तोड़ दे, इन्फेक्शन के बंधन तोड़ दे, टीबी की बीमारी का बंधन तोड़ दे, पीलिया की बीमारी का बंधन तोड़ दे, अहंकार का बंधन तोड़ दे, अहंकार का
बंधन तोड़ दे, बीमारी के सारे बंधन तोड़ दे, बीमारी के सारे बंधन तोड़ दे, लकवे की बीमारी का बंधन तोड़ दे, लकवे की बीमारी का बंधन तोड़ दे, गठिये की बीमारी के बंधन तोड़ दे, गठिये की बीमारी के बंधन तोड़ दे, झगड़े की बीमारी के बंधन तोड़ दे, झगड़े की बीमारी के बंधन तोड़ दे, कर्जों की दुष्ट आत्मा का बंधन तोड़ दे, कर्ज की दुष्ट आत्मा का बंधन तोड़ दे, तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़, विश्वास के साथ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे तोड़ दे मेरे सारे बंधन तोड़ दे, हालेलुया 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 यीशु आइए दया कीजिए कृपा कीजिए मेरे यीशु हालेलुया 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 बंधन खोलिए बंधन खोलिए प्रभु दुख मिटा दे मेरे यीशु हालेलुया हालेलुया सब लोग हालेलुया हालेलुया विश्वास बढ़ा दे दया कर दे मेरे पापों को माफ कर दे हालेलुया 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 सारे शापों
मेरे यीशु। कहें प्रभु से, कहें जो आजाद होना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं बदकारियों से, पापों से, हर प्रकार की विषय वासना अश्लीलता से, हर प्रकार की चोरी चकारी, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की दुष्शक्ति से जो आजाद होना चाहते हैं, प्रभु से कहें चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए मेरे यीशु मेरे प्रभु। चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए मेरे यीशु मेरे प्रभु। मैं तो पापी हूँ, दर पे आया हूँ, छुटकारा दीजिए मेरे यीशु। मैं तो पापी हूँ, दर पे आया हूँ, छुटकारा दीजिए मेरे यीशु। दया कीजिए, क्षमा कीजिए मेरे यीशु मेरे प्रभु। दया कीजिए, क्षमा कीजिए मेरे यीशु मेरे प्रभु। दाहिना हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें, मेरे पीछे इस वचन को दोहराएं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, और उसके इकलौते पुत्र, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट के द्वारा, हमारे सहायक पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारे सहायक पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र कुमारी माता मरियम के नाम पर, पवित्र कुमारी माता मरियम के नाम पर, महादूत संत मिखाइल के नाम पर, महादूत संत मिखाइल के नाम पर, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता के द्वारा, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता के द्वारा, अंधकार की सभी शक्तियों पर, अंधकार की सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर, सभी शैतानी ताकतों पर, बुराई की आत्मा पर, बुराई की आत्मा पर, तंत्र मंत्र पर, तंत्र मंत्र पर, जादू टोने पर, जादू टोने पर अधिकार लेता हूँ, मैं अधिकार लेता हूँ, अधिकार लेता हूँ, अधिकार लेता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बीमारी की दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, अंधकार की दुष्ट आत्मा, अंधकार की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, हर अहंकार की दुष्ट आत्मा, हर अहंकार की दुष्ट आत्मा, मेरे शरीर को छोड़े, मेरे शरीर को छोड़े और जाए, और जाए यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, बुराई का आत्मा, बुराई का आत्मा मेरे परिवार से निकले, मेरे परिवार से निकले और जाए, और जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जादू टोने, दुष्ट आत्मा, तंत्र मंत्र की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पावन लहू से जलाकर राख करता हूँ। बोले आमीन, आमीन। सारी अंधकार की शक्तियों को जलाकर राख करता हूँ, आमीन। प्रभु के नाम से आदेश देता हूँ, उसके पवित्र सामर्थ्य नाम से, कि आपके जीवन को अभी और इसी वक्त छोड़े यीशु मसीह के नाम से, छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। हर वो बात, हर वो बीमारी, हर वो बुराई, हर वो दुष्ट आत्मा जिनका इन्होंने इन परिवारों पर अधिकार दिया है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके सारे परिवारों को आजाद करता हूँ। बोले आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा की आग उतरे, बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ब्रेन ट्यूमर इस वक्त किसी का ठीक हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर किसी के मन में है, किसी के सिर में जो ब्रेन ट्यूमर है, प्रभु यीशु उसको चंगाई दे रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर की ये दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पवित्र लहू से जलाकर राख करता हूँ। बोले आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अंगीकार करते जाइएगा, श्राप के बंधन आपके परिवारों को छोड़े और जाए, अहंकार का दुष्ट आत्मा आपके परिवार को छोड़े और जाए, ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा आपके जीवन से निकले और जाए, आमीन। दुष्ट शक्तियों, धूर्तता की आत्मा, सारी रुकावटें आपके जीवन में और परिवार में जो रुकावटें हैं, बंधन हैं, यीशु मसीह के पवित्र लहू से उन्हें तोड़ता हूँ, आजाद करता हूँ। बोले आमीन, आमीन। Be delivered in the name of Jesus, आमीन। यीशु मसीह के नाम पर उद्धार पा जाओ, आमीन। यीशु मसीह के नाम पर छुटकारा पा जाओ, आमीन। चर्च आमीन, ऊंचा आशीष ऊंची होगी, जोर से बोलना आमीन, आमीन। Be delivered in the name of Jesus, आमीन। I command every evil spirit that it delivers you,
राइट नाउ, जस्ट नाउ, अभी और इसी वक्त आपके इस परिवार से, आपकी कलीसिया से, आपके समुदाय से, आपके खानदान से, आपके जीवन से, आपके रिश्तेदारों के, आपके भाई बहन, आपके माता पिता के जीवन से, हर वो दुष्ट शक्ति, भटकाने वाली आत्मा, यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, उसके पांचों घावों के द्वारा आपके शरीर से निकले और जाए। आमीन, आमीन, आमीन। नशे की दुष्ट आत्मा, ड्रग्स की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, अश्लीलता की दुष्ट आत्मा, रसौलियों का दुष्ट आत्मा, सिस्ट की बीमारी का दुष्ट आत्मा, पथरी के रोग का दुष्ट आत्मा, गुर्दे की बीमारी का दुष्ट आत्मा, स्तन की कैंसर का दुष्ट आत्मा, गांठों का दुष्ट आत्मा, गठिया की बीमारी की दुष्ट आत्मा, आपके परिवारों को छोड़े और जाए। आमीन, 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 आमीन। यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ, बोलो आमीन, आमीन। यीशु मसीह के नाम पर बीमारियां आपको छोड़े और जाए। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर आप मसा ग्रहण करें। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर आपका बिजनेस सफल हो। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर आपके घर में उन्नति आए। आमीन। हर वो गंदे दोस्त, हर वो गंदे रिश्तेदार जो आपको भटकाते हैं, यीशु के मार्ग से आपको भटकाते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आपके परिवारों से, आपके जीवन से, अभी और इसी वक्त मैं उन्हें डिस्कनेक्ट करता हूँ। आई डिस्कनेक्ट एवरी ईवल स्पिरिट आपके परिवार से, आपके व्यक्तिगत जीवन से, आपके बिजनेस से, आपके व्यक्तिगत कार्यों से, हर वो गंदे दोस्त, हर वो गंदी बीमारी, हर वो अश्लीलता, हर वो बुरा विचार, आई डिस्कनेक्ट राइट नाउ फ्रॉम आपके लाइफ से, अभी और इसी वक्त परमेश्वर के आम सामर्थ से, उसके पवित्र आत्मा की आग से, अभी और इसी वक्त आपके परिवारों को छोड़े और जाए। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया, 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 हालेलुया। ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे कि प्रभु की आशीषों की बरसात बारिश के जैसे हो रही है, वो छम छम मी बरसा आपके ऊपर बरसने वाला है, रूह का मसा आप पर छा रहा है। इस वक्त हिले डुले नहीं, केवल आपकी दृष्टि प्रभु की ओर रहे। यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की आग आप लोगों पर उतरे, आप लोगों पर उतरे राइट नाउ। जैसे भट्टी में सोना गलाकर शुद्ध किया जाता, आज आप शुद्ध हो जाएं, आज आप नए बन जाएं। छम छम मी बरसा, छम छम मी बरसा, ताली बजाकर, छम छम मी बरसा, 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 भेज अपर रूपा, भेज अपर रूपा, अपर रूपा, भेज अपर रूपा, भेज अपर रूपा, छम छम मी बरसा, 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 भेज अपर रूपा, अपर रूपा, भेज अपर रूपा, भेज अपर रूपा, सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपनी से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपने से सींचो, रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम का बीजो, रूहे पाक की बूंदे डालो कलाम कभी जो, सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपने से सींचो, सूखी बंजर दिलों की धरती रू अपने से सींचो, रूहे पाक की खुशी से ताले बजाए, बीज कलाम कभी जो, रूहे पाक की बूंदे डालो बीज कलाम कभी जो, बीज कलाम का
का बीजो, बीज कलाम का बीजो, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा, मुझ कर दो हरा भरा। चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका, भेज अबर रूका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था, उन नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा। अपने हाथों को उठा के चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, चमचमी बरसा, भेज अबर रूका, 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 भेज अबर रूका। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1-12 में पढ़ते हैं। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं उठो, अपनी चारपाई उठाओ और घर जाओ। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25-34 में पढ़ते हैं। प्रभु कहता, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, श्रांति प्राप्त कर, घर जा और अपने रोग से मुक्त हो जा। कोई है जो रक्त स्राव से पीड़ित है, इस वक्त इस वचन के द्वारा वो आजाद हो रहा, छुटकारा पा रहा है। उसके रक्त स्राव का बहना इस वक्त, राइट नाउ, अभी और इसी वक्त, प्रभु के इस वचन के द्वारा, बेटी तेरे विश्वास ने चंगा किया, अपने रोग से मुक्त हो जा और घर जा। ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, अपना हाथ बढ़ाओ, और उसने ऐसा किया और उसका हाथ उसी वक्त चंगा हो गया। कोई है जो व्यक्ति इस वक्त प्रभु से निवेदन कर रहा, आंसू बहा बहा कर, कि उसे सफलता नहीं मिलती, उसके हाथ का जो काम सफल नहीं होता, प्रभु आपसे कह रहा, अपना हाथ बढ़ा, मेरी ओर अपना हाथ बढ़ा, और तेरा विश्वास के अनुसार तू उद्धार पाएगा, जैसा तू चाहता है वैसा तेरे जीवन में, प्रभु कह रहा है, इस वक्त हो जाए। पेत्रुस ने कहा, मेरे पास ना तो सोना है ना चांदी है, एक ही चीज है, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे कहता हूं, ईसा नाजरी के नाम पर चलो। कोई है जो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, इस वक्त ईसा नाजरी आपसे कह रहे हैं कि मैं तुमसे कहता हूं उठो और चलो फिरो। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वचन हमें बताता है, जो उस पर ईमान लाएगा, जो विश्वास करेगा, जो अंगीकार करेगा, उसका घर बचाया जाएगा, वो बचेगा और उसका घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग तंत्र मंत्र में फंसे हुए, यीशु मसीह आपको इससे आजाद करता है। जो इससे छूटना चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, जादू टोने की आत्मा से, इस दुष्ट शक्ति से, बुराई की आत्मा से, तो यीशु मसीह आपको इस दुष्ट आत्मा से, इन दुष्ट शक्तियों से आजाद कर रहे हैं। गूंगे बहरे का आत्मा, यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं, इनके शरीरों से निकले। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, यीशु मसीह आपकी जुबान को स्पर्श करे, मसा करे, प्रायश्चित करते जाएं, स्वीकार करते जाएं और उसका मसा ग्रहण करें। आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु
अपनी सामर्थ्य से शक्ति से हम सबों को स्पर्श कर रहा है। बहुत सारे लोगों को इसका अनुभव इस वक्त हो रहा है, अनुभव कीजिए। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्यार हम सबों पर बना हुआ है। बहुत सारे लोगों को इस वक्त प्रभु ने चंगाई दी है शारीरिक बीमारी से, और उससे भी ज्यादा आध्यात्मिक बंधनों को खोला है। और इस वक्त आप लोगों को बहुत हल्का महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रभु के मंदिर में जो समय बिताया है, इस बात के लिए आपको बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। अलग अलग प्रकार की आशीषें प्रभु ने दी है, और उसका चिन्ह भी आपको दिया है। बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार का अनुभव के द्वारा, चिन्हों के द्वारा प्रभु ने आपको अनुभव दिलाया है। इसलिए सभी बातों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें जो प्रभु ने हमें बहुत भरपूर जीवन दिया है। प्रभु ने हमें आज के दिन में सुख शांति में आगे बढ़ने का जीवन दिया है। इस आशीष को हमें प्राप्त किया है, उसको हम बनाए रखें, प्रभु का वचन हर दिन पढ़ते हुए, हर दिन सुनते हुए उस आशीष को हम बनाए रखें, क्योंकि प्रभु के वचनों के द्वारा हमें जीवन निरंतर मिलता है, जीवन बहुतायत का हमें मिलता रहेगा। इसलिए उस प्रभु के साथ कनेक्टेड रहें। बाकी सारे कनेक्शन हमने तोड़ दिए हैं, जो दुनिया के कनेक्शन हैं, जो हमें लाभ नहीं देते, हमें फायदा नहीं करते, वो सारे गलत कनेक्शन हमें तोड़ दिए हैं। यीशु के नाम से यीशु ने हमें आजाद किया है। हमारा कनेक्शन उस यीशु के साथ जुड़ा है, वो कनेक्शन कभी ना टूटे, यीशु के साथ जुड़े रहेंगे। अगर हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रभु का जीवन का रस हमारे जीवन में प्रवाहित होता रहेगा, प्रभु की खुशियां हमारे जीवन में प्रवाहित होती रहेंगी, प्रभु का आनंद हमारे जीवन में, हमारे परिवार में बहता रहेगा, सुख शांति रहेगी हमारे घर में, सुख शांति रहेगी व्यक्तिगत जीवन में, जहां हम रहते हैं, जहां हम कार्य करते हैं, हर जगह पर सुख शांति रहेगी। जो सुख शांति चाहता है वो प्रभु के साथ कनेक्टेड रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, और प्रभु का जीवन हम सबों को बहुतायत का जीवन मिलता रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। आप में से कितने लोगों का इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं इस मंदिर में, आप में से कितने लोगों इस बात का आभास हुआ या अनुभव हुआ कि प्रभु ने आपको स्पर्श किया, या प्रभु ने आपको चंगाई दी, प्रभु ने आपको छुटकारा दिया, चाहे कोई भी बंधन क्यों ना हो, इस कितने लोगों के इस बात का अनुभव हो रहा, हाथ ऊपर उठाइए। कितने लोगों को देखिए, कितने सारे हाथ देखिए, कितने सारे हाथ। और प्रभु ने आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं उस परम पावन संस्कार में उपस्थित यीशु के सामने, और यीशु आपके हाथ देख रहे हैं। जितने लोगों ने इस बात को अंगीकार किया और प्रभु की महिमा की, आपके जीवन में जैसा आपने विश्वास किया वैसा हो जाए। अगर आप जो भी बीमारी में हो, यीशु के नाम से वो बीमारी निकल जाए, और सारे बीमारी का जड़ उखड़ जाए, यीशु का जीवन आपके जीवन में आ जाए, और बहुतायत का जीवन का जीवन आप बिता पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। जोर से ताली बजाते हैं, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को धन्यवाद है, जोर से ताली बजाए, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का जय जयकार करें, प्रभु की आराधना करें। प्रभु ने महान कार्य किए हैं, जिस प्रकार से माता मरियम स्वयं बताती है, प्रभु का नाम का गुणगान करते, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती, मेरा मन अपने मुक्ति दाता ईश्वर में आनंद मनाता, क्योंकि उसने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, पवित्र है उसका नाम। उस पवित्र प्रभु ने हम सबों को आज के दिन में उसके वचनों के द्वारा पवित्र किया है, उसके स्पर्श के द्वारा पवित्र किया है, अपना आत्मा भेजते हुए पवित्र किया है। पवित्र है उसका नाम, उसकी सदा हो महिमा, उसकी सदा हो आराधना, उसकी सदा हो स्तुति, उसकी सदा हो प्रशंसा। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम ले हैंड प्रेयर करेंगे, आप अपनी जगह पर रहेंगे, हम आपकी जगह पर आकर आपको आशीष देंगे। इस दौरान हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाते रहेंगे। प्रभु बहुत सारे लोगों को अनुग्रह दे रहा है, शायद आप शर्मा रहे हैं तो शर्माइए नहीं। कितने लोगों को आंसुओं का वरदान मिला, हाथ खड़ा करेंगे, आंसुओं का वरदान मिला है, हाथ ऊपर उठाइए। जिसको आंसू आए, अपने आप में प्रभु का स्पर्श का एक अनुभूति है। आमीन आमीन। प्रभु अपने प्रभु ने प्यार से भरा है आपको, प्रभु ने स्पर्श किया है। एक बहन है जो अपने जीवन से बहुत निराश थी, लेकिन अभी इस वक्त यहाँ मौजूद है, तो उसे अभी हल्का महसूस हो रहा है, और ऐसा वो अनुभव प्रभु ने उसको दिया है कि प्रभु उससे प्यार करता है।
यदि वो अंगीकार करना चाहती है तो अपना हाथ उठाए और प्रभु के सामने अंगीकार करे, और प्रभु जानता है आपके हृदयों की थाह लेता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का वचन यहाँ पर सार्थक सिद्ध हुआ है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, इस बात को कबूल करने के लिए भी हिम्मत की आवश्यकता है। प्रभु के सामने बड़ी सभा में स्वीकार करना अपने आप इतना आसान नहीं है। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ लोग हैं जब यहाँ पर आए थे लेकिन ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि आराधना में बैठ पाएंगे या नहीं, ये आराधना कैसी होगी पता नहीं, छुटकारे या डिलीवरेंस की प्रार्थना क्या होती है, उन्हें उस वक्त एहसास नहीं था, लेकिन अब वो उनकी दुविधा दूर हो गई है। ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिन्हें प्रभु जानता है तो आप अपना हाथ खड़ा करें, अंगीकार करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि आपकी हुजूरी में प्रभु बैठकर हमें ये आनंद प्राप्त हुआ है। तो ऐसे भाई जिनको इस आराधना में बैठने का आनंद जिन्होंने लिया है, देखिए कितने सारे लोग देखिए। आमेन, आमेन, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद तेरी आराधना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु आपके जीवन में आज रास्ता खोल रहा है, ये मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है। लगभग 2008 से ये आराधना में मैं पूरी शिद्दत के साथ जब भी भाग लेता था, जब भी करता था, इन पिछले लगभग 12 सालों में मैंने ये अनुभव किया है कि प्रभु ने इस आराधना के दौरान हमें बहुत स्पर्श किया, मसा किया है। मैंने जो जो मांगा है आज तक प्रभु ने मेरे जीवन में दिया। 18 साल के पुरोहिताई जीवन में 2008 का वो दिन आज भी मुझे याद है जब पोट्टा आश्रम से फादर कुरियाकोस हमारे बेलपड़ाव आश्रम में वहाँ पर पल्ली में आए और मेरा हाथ पकड़कर, उस समय नौजवान पुरोहित था, लगभग मैं खाली 3-4 साल का पुरोहित था, तो वहाँ पर उन्होंने उनके द्वारा कहा, फादर अशोक, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो विद जीसस, अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो उसकी हजूरी में सदा रहना, उसकी एडोरेशन करना मत भूलना। और शायद मैं अब विश्वास करता हूँ कि वो ये गिफ्ट प्रभु ने हमको दिया और इस गिफ्ट को और आगे बढ़ाना, और इसका मसा मैं अपने जीवन में खुद रोज महसूस करता हूँ। मैं 2-2 घंटे खड़ा रहता हूँ, 3-3 घंटे खड़ा रहता हूँ, लेकिन मुझे थकान नहीं होती है। ये सबसे बड़ी अनॉइंटिंग मैं महसूस करता हूँ अपने जीवन में। फादर फ्रांसिस हमारे साथ रहते हैं, आप लोग संगत जो हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में रहती है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है और हमें मसा करता है। बहुत सारे लोगों को आज प्रभु ने आपको आराधना करने का वरदान दिया है, आराधना करने का, इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रार्थना के वरदान के लिए, प्रार्थना के, विश्वास के वरदान के लिए, विश्वास के वरदान के लिए। आप लोग जो इस पल्ली के हैं, मैं ये देख रहा हूँ, आत्मा में विजन देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में आप में से बहुत सारे लोग इस आराधना में जुड़ेंगे और इस आराधना के द्वारा प्रभु के प्रेम के महत्व को आप समझेंगे और अपनी बीमारियों से, निराशा से, कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो एकमात्र उपाय है प्रभु की उपस्थिति में रहना। जिस घर में, जिस पल्ली में प्रभु की आराधना होगी, वो पल्ली दिन दुनी रात चौगुनी करती जाएगी और सफलता प्राप्त करेगी। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल को आशीष प्रदान कर, ये दलहन से बना हुआ तेल है, इसमें तेरे आत्मा की आग, तेरा पवित्र लहू उतरे, ये जिन शरीरों को स्पर्श करे, जिन पर लगाया जाए, उन पर तेरा आत्मा साक्षात रूप से उतरे, इन्हें स्पर्श करे, इन्हें शुद्ध करे, तेरे लहू में ये सारे के सारे रंग जाएं। ये प्रार्थना सुन उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोले आमेन, आमेन। जब पुरोहित आपके बीच में आएगा, पवित्र तेल को आपके माथे पर क्रूस के चिन्ह का निशाना करते हुए लगाएगा, प्रार्थना करेगा, वहाँ पर आने जाने के लिए थोड़ा जगह बनाएं और बड़े भक्ति से खड़े हो जाएं। जब किसी के माथे पर तेल लग जाता है तो उसके बाद आप बैठ जाएं, जब तक तेल नहीं लगता आप खड़े रहें अपने जगह पर, जब लग जाता तब बैठ जाएं।
मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता आत्मा मंडरा पवित्र आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं अंधे देखते हैं आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता चलते हैं यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता मंडराता बहरे सुनते हैं बहरे सुनते हैं ओ बहरे सुनते हैं बहरे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता गूंगे बोलते हैं गूंगे बोलते हैं ओ गूंगे बोलते हैं बोलते हैं गूंगे बोलते हैं गूंगे बोलते हैं गूंगे बोलते हैं गूंगे बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता आत्मा मंडराता पवित्र आत्मा मंडराता तालियां बजा
आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। सभी घुटनों पर आए, सभी घुटनों पर आए, आराधना करें प्रभु की, प्रभु की आराधना करें। वो सामर्थ्य का अधिकारी है, वो आदि अंत अल्फा ओमेगा, हृदयों की ताह लेने वाला प्रभु, सदा एक रूप बना रहने वाला प्रभु, कभी बदलता नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, उस प्रभु की हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में आराधना करें, यीशु के चरणों में सिर को झुकाएंगे, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया, एक साथ मिलके रंग लिया, मोहे रंग लिया, रंग लिया, मोहे रंग लिया।
पसंद तो पान बनावो एक अजब खुशी एक अनोखा नशा दिलो जान बनावो ओ ओ ओ ओ संग लिया मोहे संग लिया संग लिया मोहे संग लिया यीशु ने दिया अपना जहन मुझे अपना रूप लिया रंग लिया मोहे रंग लिया रंग लिया मोहे रंग लिया तेरे पापों को देगा मिटा सारे रोगों से देगा शिफा तेरे पापों को देगा मिटा सारे रोगों से देगा शिफा तेरे पापों को देगा मिटा सारे रोगों से देगा शिफा तेरे पापों को देगा मिटा सारे रोगों से देगा शिफा तौबा कर सिर को झुका नाम की जय।